नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 11वां वीडियो है और फंडामेंटल राइट्स का ये वीडियो 6ठा नंबर का है। और अगर आपने इससे पूर्व के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ बात की है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको एक से अधिक बार जो एक ही अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा और उतना ही दंड दिया जाएगा जितना कि उसमें प्रवर्त जो है विधि में जो है दिया गया है। तो ये बात जो की गई है, ये की गई है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 कहता है द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो डॉक्टर, ये जो रिलेशन है, ये क्वेश्चन का रिलेशन संबंध है, ये डायरेक्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियो पार्टी से। तो देखते हैं यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल जो 20 है इसमें तीन तरह के जो है डॉक्ट्रिन दिए गए हैं। पहला डॉक्ट्रिन कहता है द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी यहाँ पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है तो वो वॉयलेशन अगर किसी विधि का कर रहा है तो उस समय उसको जो है उसी विधि के वॉयलेशन, यानी कि जो है उस विधि को जो है भंग करने या उसके द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर ही उसको सजा मिलेगी और उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस समय प्रवर्त विधि में दी गई है। तो ये चीज़ आती है इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वन, यानी यहाँ पर जो कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी की बात करता है क्लॉज 2। कौन सा क्लॉज करता है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है ये बात। इसमें यानी यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति होगा वो एक अपराध के लिए जो है एक ही बार जो प्रोसिक्यूट और पनिश्ड किया जाएगा। और सेम टाइप का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी सेक्शन 300 से भी इसी से संबंधित है। तो बाकी जो रूल क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 क्या कहता है, यानी जो थर्ड डॉक्ट्रिन दी गई है वो दी गई प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई भी व्यक्ति जो होगा वो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसको उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो ये सारे जो डॉक्ट्रिन से ये प्रोटेक्शन दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 20 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है यहाँ पर आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 किस बात की बात करता है? आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात आर्टिकल 21 करता है। आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण की बात आर्टिकल 22 करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 20। और ये डायरेक्ट दिया किस में है? ये दिया गया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ देखिए केसेस दिए गए हैं, इस केसेस में हम लोग को पहचानना है कि कौन सा वाद जो है और उसकी फाइंडिंग में जो है जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है उसमें क्या जो है एरर है। तो देखते हैं यहाँ पर, पहला यहाँ पर इंदिरा साहनी का वाद दिया गया है। तो इंदिरा साहनी का केस जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, बिल्कुल यहाँ पर जो है इंदिरा साहनी का जो केस था ये ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विशाखा का केस। देखिए विशाखा का जो केस है स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, यानी ये सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्किंग प्लेस की बात करता है। तो महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्किंग प्लेस की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण देने की बात विशाखा के बाद में कही गई, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी ऑप्शन सी है यहाँ पर, मेनका गांधी का वाद। तो देखिए मेनका गांधी का जो वाद है इसमें बताया गया था कि आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21, देखिए 19 का विशेषकर 19 का क्लॉज 5, तो ये जो है परस्पर अपवर्जी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और इसी के तहत यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल का जो है डॉक्ट्रिन भी डेवलप की गई थी इसी केस में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर ये भी यहाँ पर ठीक हो जाता है, यानी ये अपवर्जी नहीं है बल्कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे का सहयोग करके ही इसमें डिफाइन किया जाता है। यानी अगर आर्टिकल 21 में कोई अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार को साबित करने के लिए जो है उस अधिकार के लिए उसको पढ़ने के लिए आर्टिकल 19 और जो है 14 के साथ में पढ़ा जाएगा और तभी उसकी वैलिडेशन चेक की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा जो है विधि जो है संसद बनाती है और वो विधि अगर आर्टिकल 21 का वॉयलेशन कर रही है तो उसमें साथ में ये भी देखा जाएगा कि कहीं वो विधि आर्टिकल 14 और 19 का भी वॉयलेशन तो नहीं कर रही, यानी सभी से जब अगर टेस्टेड हो जाती तभी वो विधि वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वो इसमें से किसी भी आर्टिकल में अगर वो वॉयलेशन हो रहा है तो फिर वो विधि जो होगी वो जो है शून्य हो जाएगी। और आर्टिकल 19(5) क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात यहाँ पर करता है। तो चलिए ठीक है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। बाकी यहाँ पर बेला बनर्जी वाद जो है ये विदेशी यात्रा के अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, यानी यहाँ पर सीधी सी बात करता है कि यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू ट्रैवल अबॉर्ड, तो यहाँ पर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड की भी बात की गई है, परंतु इस वाले केस यानी बेला बनर्जी के वाद में ऐसा नहीं कहा गया है। तो फिर ऐसा किस वाद में कहा गया, तो ऐसा कहा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं व्यक्ति का, तो सतवंत सिंह नाम है यहाँ पर, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली का है ये मैटर, और ये कब का केस है, ये है 1957 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन किया है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें विदेश में यात्रा करने का जो अधिकार है वो भी आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये केस हो जाएगा सतवंत सिंह बनाम जो है असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली 1957। तो इसी के साथ आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज अंडर अ डिफरेंट क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आर्टिकल 14, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर आर्टिकल 14, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 15, ऑप्शन सी है यहाँ पर आर्टिकल 16 और ऑप्शन डी है यहाँ पर आर्टिकल 19। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सीधा हो जाता है, यानी आर्टिकल 14, 15 और 16 दीज आर्टिकल्स कम इन द राइट टू इक्वालिटी। तो ये आते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14-18 एंड जो है राइट टू फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है यहाँ पर, तो एक्सप्लॉयटेशन की है तो ये दिया गया आर्टिकल 23 से लेकर 24 में। उसके बाद यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो दी गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और जो है उसके बाद जो दिया गया संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार यानी जो राइट रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो प्रोवाइड कराए गए आर्टिकल 29 एंड 30 में। और नेक्स्ट जो है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था वो तो रिमूव होकर आर्टिकल 300 ए में चला गया 44th अमेंडमेंट के साथ। लास्ट जो आपका जो मिलता है राइट वो रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 32 में। तो ये डिफरेंट क्लासेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 6 क्लासेस हैं, पहले 7 थी परंतु जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो गया आर्टिकल 31 में। इसी के साथ देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19
इसमें ये जो आता है, ये आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में। और राइट टू फ्रीडम कितने आर्टिकल तक दिया है, 19 से लेकर 22 तक। बाकी आर्टिकल 14, 15 और 16 है, ये आते हैं राइट टू इक्वालिटी के साथ, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 का एक है, एक डी है, उसको अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने, तो 19(1)(d) में क्या दिया हुआ? 19(1)(d) कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को जो है पूरे भारत के सीमा क्षेत्र में कहीं भी जाने का अधिकार है। तो बिल्कुल यहाँ पर बस इसमें जो कुछ उपबंध दिए गए हैं उन उपबंधों को छोड़कर, यानी वहाँ पर जो है जैसे कि उपबंध अनुच्छेद 5 में दिए गए तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कुछ ऐसे पब्लिक ऑर्डर्स के थ्रू जो है जनरल पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए, इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर रोका जा सकता है, ट्राइबल एरियाज में जाने से रोका जा सकता है। तो इन चीज़ों को छोड़कर बाकी थ्रू आउट द टेरिटरी आप मूव कर सकते हैं, और ये आपकी जो है राइट टू प्राइवेसी से संबंधित भी है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसमें सीधा जो हमारा आंसर बन जाता है एकांता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 जो है इन दोनों को जोड़कर पढ़ने से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ अच्छा, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता क्यों? या तो एकांत रहने के लिए, भाई जहाँ से वो रह जो रहा है उस समाज से बोर हो गया, या फिर जो अपने मनोरंजन के लिए जाता है, तो प्राइवेसी उसे थोड़ी सी पसंद रहती है, तो इसलिए भी वो जाना पसंद करता है, तो इसलिए ये अधिकार यहाँ डेवलप। बाकी यहाँ विदेश यात्रा, तो जब हम टेरिटरी की बात करें तो विदेश अधिकार यात्रा का यहाँ बात नहीं है, विदेश यात्रा के लिए आर्टिकल 21 जो है पूर्ण रूप से संपूर्ण है। बाकी शरण पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) में, तो वहाँ 1A में दिया ही गया है, तो उसके तरह निकाला जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है KM मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें KM मुंशी जो है इसके एक सदस्य थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बिल्कुल यहाँ पर संविधान सभा द्वारा जो है वो भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, और ये किस तिथि को किया गया? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया और इसे अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बिल्कुल यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड 1957 रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम। तो बिल्कुल यहाँ पर यह भी सही है यहाँ पर, यानी बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट कमेटी थी उसी के द्वारा जो है पंचायती राज जो है सिस्टम की संस्तुति की गई। बाकी ऑप्शन डी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द फंडामेंटल राइट विच आर प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सिक्योर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट या। तो यहाँ पर जो उसका संरक्षक है भारत मूल अधिकारों का, तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पर भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 डैश पूर्ति कीजिए डैश 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 बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अधिकार बिना कर्तव्य के ठीक उसी प्रकार है जैसा जैसे जो है मनुष्य जो है बिना परछाई के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी यहाँ पर विश्वास दिया है, नैतिकता दिया है, कार्य दिया है, ये सारे शब्द जो है इस लाइन पर, इस स्टेटमेंट पर अप्रोप्रिएट यानी सही नहीं बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाले वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध .. के संबंध में किया गया है। तो यहाँ पे द कोर्ट में प्रज्यूम दैट एनी ऑफेंस इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो यहाँ पर एंड सच ऑफेंस इज अगेंस्ट विच क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर ये चीज़ के लिए बात की गई इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है, ऑप्शन बी है अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की है, ऑप्शन सी है किसी भी समुदाय के सदस्य, सो पर्सन हु बिलोंग टू एनी क्लास
ऑफ द सोसाइटी एंड ऑप्शन डी है उपभोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति, यानी न्यायालय यहाँ पर उपधारित करेगा। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, यहाँ में प्रिज्यूम हो सकता है, कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य, तो एनी एक्ट विच कमिटिंग एनी ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ अस्पष्टता, अस्पष्टता मतलब टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया है, तो ऐसा अपराध जो है वो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग द पावर टू सस्पेंशन। तो यहाँ पर किस चीज़ के निलंबन की शक्ति प्राप्त है, तो देखिए अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 जो है ये जो है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। तो बिल्कुल यहाँ पे अनुच्छेद 20, तो यहाँ पर उसको निलंबन सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट होगा। बाकी यहाँ पर आर्टिकल 21 है तो इसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आर्टिकल 21A है तो इसको भी इस तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता, परंतु आर्टिकल 19 है इसको भारत का राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, उसको इसकी शक्ति दी गई है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो इन विच आर्टिकल दिस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड दिस, तो ये चीज़ कहाँ उपलब्ध कराई गई है, ये उपलब्ध कराई गई अनुच्छेद 258 में। 258 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकता है, जबकि भारत में जो है युद्ध की स्थिति हो जाती है या फिर जो है बाहर आक्रमण हो जाता है, तो ऐसी दोनों ही कंडीशन पे जो है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को का चयन कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सूची एक दी है, सूची दो दी है, सूची एक में यहाँ प्रावधान दिए गए उसमें अनुच्छेद दिए गए। तो पहला है यहाँ पे उपाधियों का निषेध, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एवोल्यूशन ऑफ जो है टाइटल्स की बात की गई, तो जो टाइटल को समाप्त करने की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ, आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरह की उपाधि को धारण नहीं करेगा, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजा, धीराज, इस तरह की उपाधियाँ धारण नहीं की जा सकती। बाकी जो आर्मी में जो टाइटल दिए थे उनको धारण किया जा सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, सूबेदार, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, परंतु ये चीज़ यहाँ नहीं थी। तो बिल्कुल यहाँ पर वन का हो जाएगा 3, यानी आर्टिकल 18। बाकी यहाँ अगला है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर्स की बात की गई है वो बात की गई आर्टिकल 26 में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी देखिए थर्ड में क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज का जो संरक्षण की बात की गई है वहाँ पर, तो वो प्रोवाइड कराया गया आर्टिकल 26 में, तो यहाँ हो जाएगा 1। बाकी यहाँ शिक्षा का अधिकार, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट टू जो एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21A, तो बिल्कुल आंसर यहाँ ऑप्शन बी। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद हैं। तो देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी इन 5 आर्टिकल्स, सो व्हाट आर दीज 5 आर्टिकल्स, नाउ वी डिस्कस दिस। तो हम लोग चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो है 5 वो अनुच्छेद हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, तो देखिए अनुच्छेद 19 से जो है शुरू हो जाता है, वहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और समता का जो अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, वो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी है यहाँ पे 15 से लेकर 19 तक। देखिए 19 यहाँ पर जो है स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 14 टू 18, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक, तो 13 से लेकर 17 तक में भी जो है, क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है वो जो है राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं करता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 100 तक, और इसी के साथ जो है मूल अधिकार का जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल जो है इस वीडियोस की अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही अगला पार्ट कंप्लीट होता है तो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे, तो फंडामेंटल राइट का जो पीडीएफ है
वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।